कारगिल विजय दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के सभाकक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कॉलेज के रक्षा अध्ययन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर भगवान सिंह, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर आर पी यादव, डॉक्टर राम कुमार यादव, इंद्रजीत कुमार, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, डॉक्टर रविन्द्र कुमार गंगवार, अनिल भास्कर सहित कॉलेज के छात्र छात्राओं मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर भगवान दास ने कारगिल युद्ध के इतिहास के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप ने कहा, कई युद्ध लड़ने पड़े थे 1948 में पाकिस्तान के साथ, 1962 में चाइना के साथ, 65 में फिर पाकिस्तान के साथ जिसमें बांग्लादेश बना, 1971 में और इसके बाद कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ना। तो इस कारगिल युद्ध का समापन 24 जुलाई को हुआ था। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को ये सूचना दी गई थी 24 जुलाई 1999 को कि नाउ कारगिल ऑपरेशन इज ओवर, वी हैव रिकैप्चर्ड ऑल द हाइट्स कैप्चर्ड बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट एंड मिलिट्री पर्सनल। तो 24 जुलाई को शाम को डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन द्वारा जब ये सूचना दी गई, उसके बाद 25 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में पूरे देश में मनाते हैं। और कल तो कारगिल की तमाम पहाड़ियों पर तमाम सारे मिलिट्री एक्सरसाइज किए गए, वहाँ पर तैनात भारतीय सेनाओं द्वारा, वहाँ पर द्रास में जिसका बैनर यहाँ है डिपार्टमेंट में, एक बहुत बढ़िया सैन्य स्मारक है, आप टीवी में देख रहे होंगे, पिछले दिनों राजनाथ सिंह जी वहाँ गए थे वर्तमान रक्षा मंत्री, वहाँ पर बड़ा विशिष्ट कार्यक्रम मनाया जा रहा है, दिल्ली में मनाया जा रहा है और उसी क्रम में आज विभाग में भी मनाया जा रहा है। आपको आज के इस दिवस को मनाना चाहिए, उसमें शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, उनके प्रति अपना सम्मान अर्पित करना चाहिए। देश की सशस्त्र सेनाओं को एज ए होल कलेक्टिवली आपके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव जागृत होना चाहिए, इस विषय पर आपको चिंतन मनन करना चाहिए। साथ ही साथ आज का यह अवसर केवल इतिहास की गाथा, उनकी कुर्बानियाँ सुनने और याद करने का ही नहीं है, यह मूल्यांकन करने का भी होता है कि इस अवसर पर हम क्या करें, इसका भी तो मूल्यांकन करें। यहाँ कारगिल नहीं है, द्रास नहीं है, बटालिक नहीं है, तोलोलिंग नहीं है, यहाँ पर आपको कोई पहाड़ी नहीं कब्जा करना है, उसके लिए आपकी सेना सक्षम और तैनात। लेकिन सिविल इलाके में दिग्विजयनाथ जैसे कॉलेज में, तमाम सारे कॉलेज में कक्षों में बैठे हुए छात्र छात्राएँ और सिविल एरियाज में बैठे हुए हम नागरिक लोग क्या करें जिससे यह देश बहुत शानदार ऊंचाइयों पर पहुंचे, बहुत मजबूत हो। यह भी आज के दिन की ऐसे दिवसों की गरिमा होती है। ये महाविद्यालय का रक्षा अध्ययन विभाग है जो निरंतर कई वर्षों से कारगिल विजय दिवस मनाता रहा है। आज 26 जुलाई है, आज उसी का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रकार से हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी इस बात के लिए इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये कारगिल विजय दिवस है क्या, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा महत्व भारत के राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में है। जब तक हमारी ये युवा पीढ़ी अवेयर नहीं होगी हमारी चुनौतियां कौन सी हैं, कब कब कौन सी समस्याएं आई और हमारी सेनाओं ने, हमारी सरकार ने, हमारी संस्थाओं ने, हमारी व्यवस्था ने किस प्रकार से उनसे निपटने का कार्य किया, इसी क्रम में जहां हम 1947-48 का संघर्ष देख लें, 62 का देख लें, 65 का देख लें, 71 का देख लें, इसी में वो पांचवा
कारगिल का संघर्ष है जो मई 1999 में कारगिल के पहाड़ियों में बंकर जो हमारे थे या बंकर बना करके पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ कर लिया था, और किस साहस के साथ, अदम्य साहस के साथ, बिना एलओसी को पार किए हमारी सेना ने उनको वापस प्राप्त भी किया और शत्रु का भीषण संहार हुआ। और यह एक ऐतिहासिक विजय है, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्रेशर था उस समय वाजपेयी जी ने जिस दक्षता से उस समय के सेनानायक और उस समय के जो कमांडर्स थे, जिस दक्षता से इस कारगिल संघर्ष का संचालन उन्होंने किया, ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। और कारगिल दिवस हम मनाते हैं उस गौरवमयी पल को याद करने के लिए, जो उसमें शहीद हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि के लिए, और हमारे जो युवा विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, इन्हें भी अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपने राष्ट्रीय हित से, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय से जोड़े रखने के लिए, हम एक शिक्षण संस्थान हैं, हमारा ये दायित्व बनता है। और इसलिए जो भी विशेष दिवस हैं हम उनको मनाते हैं और उस पर एक आयोजन विशिष्ट व्याख्यान का करते हैं। आज उसी क्रम में यह व्याख्यान, यह आयोजन और शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है।